वालेकुम। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। आज से सैटरडे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है कि मुझे ये वीडियो का स्टार्ट करने में, बल्कि तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, 4:30 बज गए हैं। हाँ, बच्चों को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन, तो अब जाके मुझे टाइम मिला। तो मैंने दरअसल मसला ये था कि सुबह से मैंने वीडियो यूँ नहीं बनाई कि रात को मैंने ना एडिटिंग करने के लिए जब बैठी, मोबाइल में एडिटिंग करने के लिए जब बैठी, तो ये हुआ कि एडिटिंग तो हो गई थी, पोस्ट नहीं हुआ था। इससे पहले मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। मेरा प्रॉब्लम मोबाइल में है मसला चार्जिंग का, कि जल्दी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। इतनी देर में एडिटिंग करी हुई, मोबाइल मेरा ऑफ होने लग गया था। फिर मैंने पोस्ट नहीं किया था, पोस्ट पर डाल दिया था, मगर पोस्ट हुआ नहीं था। तो पोस्ट कंप्लीट हुई नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चले मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ, फिर मैं ना इसको कर लूँगी। लेकिन ना मोबाइल चार्ज पे मैंने लगा के, फिर मैं जल्दी सो गई थी ना, लगा के सो गई थी। फिर ये हुआ कि सुबह जब मैंने मोबाइल देखा, अपना मोबाइल जब मैंने देखा, तो मोबाइल चार्ज ही नहीं हुआ था, वो ऑफ ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा लो, मैंने रात को भी एडिटिंग नहीं करी और अब सुबह भी एडिटिंग नहीं करी। लो, आहिस्ता आहिस्ता मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट हुई तो मुझे, मैंने पहले ही वीडियो में मुझे कहता था मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद करें और मुझे सपोर्ट करें। बाद जो है मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, तो जिस वजह मोबाइल ऑफ ही था, रात को मैंने चार्ज भी लगाया तो देखा तो सुबह ऑफ ही था। तो अब मतलब रात को भी चार्ज नहीं हुआ, पूरी रात में भी चार्ज नहीं हुआ और सुबह भी चार्ज नहीं था। तो फिर मैंने सुबह से मुझे अपनी वीडियो स्टार्ट करनी थी, लेकिन मेरी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई। सुबह 7:30 बजे ही हमारी अलर्ट चल जाती है, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन सुबह आज इत्तेफाक से आज हम लोग सब जल्दी उठ गए थे। रियान को सुबह आज स्कूल सैटरडे था, लेकिन स्कूल लाजमी जाना था, क्योंकि रियान के जो स्कूल का ये है कि अगर बच्चों के पेपर्स करीब होते हैं ना, तो 1-2 हफ्ते पहले बच्चों को बुलाना शुरू कर देती है सैटरडे के, जो काम बच्चों का नहीं है एबसेंट वर्क है वो बच्चों को कम्प्लीट करवा देती हैं। जिन बच्चों का नहीं होता उनको बुला लेती हैं। रियान की अभी 1-2 छुट्टियाँ हो गई थी मेरी वजह से, कि लेट हो गया था, जिस वजह से रियान की ना छुट्टी हो गई थी, स्कूल बुलाया। तो आज सैटरडे से था, तो रियान भी जा रहे थे, मैं भी जा रही थी। उम्र खैर तो सबसे पहले उठ गई थी, सब उम्र खैर ने ही सबको उठाया कि मम्मा उठ जाए रियान को। तो फिर भी लेट थोड़ा जाना था, जैसे रोज़ जाना चाहते हैं उस टाइम पर नहीं जाना था, उसके बाद 9 बजे तक जाना था। तो इसलिए आज हम सब जाग रहे थे। मैंने कहा जनाब आज सुबह से मैं अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, वरना बहुत ही लेट हो जाता है मेरा वीडियो बनाना, मैं नहीं बना पाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत ही लेट वीडियो को बना रहना शुरू करती हूँ। तो मैंने कहा आज सुबह 7 बजे से स्टार्ट करते हैं, अपनी मॉर्निंग से ही दिखाते हैं। लेकिन ये हुआ कि नहीं हो पाया। हुआ जो इंसान सोचता है हमेशा उल्टा ही होता है, उतना ही लेट हो गया। फिर ये हुआ कि लाइट आई हमारी, फिर वही 7:30 बजे के बाद 10 बजे लाइट आई। भी हम अपने नाश्ता वगैरह में बच्चों को, इसमें खैर की तबीयत सही नहीं थी आज, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है उसकी हरारत सी लग रही थी। मगर मैंने कहा कि मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी, अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना का मसले का जो काम होता है मैं नहीं कर पाऊँगी। इसको ट्यूशन दवाई पिलाई थी, रात को भी थोड़ी पिला दी, थोड़ा बेहतर था। तो मैंने अभी ट्यूशन इसको भेज दिया हमूल खैर को। अब ये दोनों गए हैं ट्यूशन, अभी ट्यूशन गए हैं। तो मैंने कहा लाओ मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो भी कंप्लीट बना लूं। कल कह रहे होंगे कि मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि स्टैंड नहीं है, मेरे पास स्टैंड नहीं है। जैसे वो स्टैंड होता है कि हमें कहीं भी रख के अपनी वीडियो बना सकती हूँ, शकील लेके आए थे पुराना, किसी काम ही आया था। इसको ये टूट गया है, तो अब मैं इससे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, रिक्स लेके कि मेरा मोबाइल गिरे नहीं, रिक्स लेके बना रही हूँ। मेरा मोबाइल गिरा और मेरा मोबाइल गया है। जी मैंने झाड़ू दे लिए, अब मैं लगाने आई हूँ पोछा। लेकिन अब मैं स्टैंड पे नहीं लगा रही, क्योंकि मैंने आपके सामने स्टैंड पे लगाया था, पर मैंने कहा लाए मैं ऐसी ही बना लेती हूँ वीडियो, अपने पाँव से पोछा लगा के। पोछा लगा रही हूँ सिर्फ कुछ ना कुछ करके,
अपने घर के लिए कुछ करूँगी। तो मेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मैं वीडियो मेरी इंशाल्लाह मेरा मैंने जो सोचा है अल्लाह ताला ये पूरा कर दे। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, किसी का मुझे साथ नहीं चाहिए अल्लाह के अलावा, अल्लाह ही का भरोसा है पे भरोसा है। तो अल्लाह के भरोसे पे मैंने ये काम करना शुरू किया है, तो अल्लाह ही मेरा साथ देगा और इंशाल्लाह कि मैं अपनी इनकम से अपने घर भी बना दूँ इंशाल्लाह। आप लोग सपोर्ट भी करें इसलिए मुझे लाइक भी शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। जी मैं जा रही हूँ, काम हो गया है मेरा घर का, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, जल्दी से लेके आ जाऊँ। ये हो गया 6 बज गए। कभी ऐसा होता है कि वो लोग छुट्टी हो जाती है, वो हमारे एक दोनों कोनों से उनके घर आता है, तो कभी वो इधर से आ जाते हैं कभी वो उधर से आ जाते हैं, तो मुझे पहले से जाना पड़ता है। ये ना कि मैं इधर से जाऊँ तो वो उधर से आ जाएँ, तो इसलिए तो ये रास्ते में बच्चे भटके इसलिए मैं मुझे जाना पड़ता है पहले। मैं देखती हूँ जल्दी से जाती हूँ, टाइम तो उनका हो गया 6 बज रहे हैं, मैं बस जाती हूँ बच्चों को लेके आती हूँ। देखिए उमल खैर आ गई हैं आज ट्यूशन से और ये चक्कर खा रही हैं, कह रही हैं झूले पे बैठना है, ये अपना जो झूला इनका खड़ा हुआ येलो वाला इस झूले पे ये बैठती हैं झूला, और ये जो है घोड़ा ये उमल खैर का है, बाकी ये सब मेरा नहीं है। जो पीछे रखा है मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ जो पीछे रखा हुआ है ना वो है जनरेटर है ना ये है संदूक, संदूक मेरा नीचे रखा हुआ है सुसर के कमरे में। कल आपको सुसर का कमरा दिखाया था, उनके कमरे में मेरा संदूक रखा है, ये है देवरानी का रखा हुआ है, ये सब इनका ही रखा हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये ड्रेसिंग मैंने बाहर रखी थी, वो भी उम्र खैर हो गई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि वो प्रॉब्लम की वजह से रख दी थी मैंने। उम्र खैर क्या खा रही हैं आप, क्या खा रही हैं, केक खा रही हो, खाना खाओगी, खाना खाना है, भूख लगी है। चलो अभी मैं अभी बस बनाने जा रही हूँ शामी कबाब, आज हम बनाएंगे शामी कबाब। जी अब हमारी खाने की तैयारियां हो रही हैं। ये मैंने हरी मिर्च काट के रखी है, मैंने प्याज काट के रखी है, और यहाँ मेरे कबाब का मसाला ठंडा हो रहा है, बस ये ठंडा हो जाए मैं पीसती हूँ। हरी मिर्च और प्याज डालूँगी इसके अंदर और पुदीना डालूँगी, पुदीना मेरे पास ड्राई पुदीना रखा होता है घर में, मैं वो डाल देती हूँ क्योंकि होता नहीं होता कभी, ये मैं इस तरह कर लेती हूँ। और अब मैं यहाँ मैंने तवा चढ़ाया हुआ, जितनी देर में ये ठंडा हो गया मैं रोटियाँ वगैरह बना के रख लेती हूँ। ये मेरे कल की सब्ज़ी बची है वो भी है घर के अंदर, अभी आटा बस, ये आटा मैंने ला के रखा है, आटा गूंदना और ये दाल करना है, जब तक इतने दिन में ठंडा हो रहा है इतने में मेरा सब कुछ हो जाएगा। जी मैंने आपको दिखाया था कि मैं शामी कबाब बना रही हूँ, पर वो शामी कबाब शायद बने ही नहीं अभी तक, लाइट का ऐसा इशू रहा है कि लाइट आ रही है जा रही है, जो आती है 8 बजे से 10 बजे तक की लाइट आती है, 7:30 बजे से 8 बजे तक वो लाइट भी चली गई थी, 7:30 बजे आई है। मैंने आपको शामी कबाब दिखाया था कि शामी कबाब मेरे चढ़े हुए, पर वो चढ़े ही रहे क्योंकि वो गल तो गए, गल गए वो शामी कबाब, गल गए शामी कबाब, गल गए, चली गई गैस नहीं गई, लाइट चली गई, लाइट आई, लाइट गई तो फिर अभी ना आई है, तो शामी कबाब गल तो गए थे पर उसके ना मतलब बने नहीं थे, अभी लाइट आई है, अब मैंने पीसे हैं और इतनी देर में देखे हैं शकील भी आ चुके हैं। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 12 बज रहे हैं, 12:05 हो गए हैं, तो शामी कबाब जब बच्चों ने खाना तो खा लिया, ये है कि बच्चों ने हमारे खाना, मैंने उनको कल की फलियाँ वगैरह रखी थी, तो उमर खैर की तो तबीयत सही नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ दूध पिया है, थोड़ी सी रोटी खाई है, बाकी तो रयान को मैंने आलू फलियाँ खिला दी थी, मैंने और रयान ने खा लिया। अब शकील आए तो इनको बस अब रेडी करके मैं शामी कबाब रेडी करके इनको दूँगी, अभी आए हैं बस इनको मैं खाना देती हूँ। ये देखें मेरे ये कबाब रेडी हो गए हैं, बस इनको मतलब फुंडी मैंने इनको वो करने हैं, फ्राई करने हैं बस रेडी हैं, इनको फ्राई करके मैं शकील यहाँ पे कपड़े फैला के, कपड़े अभी धोए हैं, ये मेरी देवरानी ने कपड़े धो के डाले हैं यहाँ पे, देखें रात में धो के डाले हैं इन्होंने, मशीन लगाई थी अभी, देखें बाहर का भी दिखाती हूँ मैं आपको, सब बैठे हुए यहाँ पे, यहाँ हलीम बन रहा है रात के टाइम पे ना, ये अभी बनना शुरू हुआ है, देखें यहाँ पे ये रज्जा का होगा, ये लोग जागते रहेंगे, देखें अल्लाह करे अभी बस ये सिलो टेप चलाते रहें, वरना तो हमारी नींद ख़राब हो जाएंगी, वरना ज़्यादातर मैंने ये देखा है जहाँ कहीं हलीम वगैरह का तकरीब इस तरह के रखते हैं लोग कि हमारे यहाँ नीचे हलीम बन रहा है, तो मैं तो अच्छा लगता है सब कुछ दिखा दिया इतना ही, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी बस शकील को खाना देना है, शकील को तो आधी नींद भी आने लगी, इसलिए पहले ये ना हो कि सो जाएँ, खाना दे दूँ। फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।